का शो कैसी लगी फिल्म देखने के बाद? बहुत अच्छी, awesome, मजा, पाड़ो मूवी, बिंदास जकास, माइंड ब्लोइंग। क्या बेस्ट था फिल्म में आपके हिसाब से? शाहरुख, एग्जैक्टली। व्हाट अबाउट कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट तो अच्छा था, इट्स सिंपल, सोबर एंड वेरी इंफॉर्मेटिव। इमिग्रेशन को लेके बात की जा रही है, जो मतलब देश को छोड़ के बाहर यहाँ पे काम वगैरह करने जाते हैं, उन लोगों के बारे में बात की जा रही है, उसका वो कॉन्सेप्ट कैसा लगा स्पेशली? बहुत अच्छे से दिखाया गया है, लोगों की मजबूरी दिखाई गई है, सौरभ वजह दिखाई, कैसे जाना है, क्यों जाते हैं, तो इट्स अच्छे से बताया गया, दर्शाया गया है बहुत अच्छे से। फिल्म रिलीज होने के पहले डंकी डंकी लोग बहुत मतलब प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहे थे, डंकी को डोंकी बोल रहे थे, डोंकी को डंकी बोल रहे थे, फाइनली इसका जो मीनिंग है वो पता चला क्या? नहीं, चला चला, अब लोग सही से बोलेंगे। एंड यस, और कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। पॉइंट, सो वी आर होपिंग। व्हाट डू यू टू से अबाउट शाहरुख खान, उसका क्राफ्ट कैसा है फिल्म में? आई एम स्पीचलेस फॉर दैट, आई कांट डिस्क्राइब हिम, ही वाज टू गुड, द किंग ऑफ एक्टिंग एंड द मास्टर ऑफ डायरेक्शन और मास्टर ऑफ यू नो इमोशन। सी द एक्सट्रीम ऑफ एक्सट्रीम लेवल, मैजिकल था, एक्सट्रीम ऑफ एक्टिंग, एक्सट्रीम ऑफ डायरेक्शन, they all came up together and it gave a blockbuster movie. बहुत सारे लोग इन्हों लास्ट में रोए जा रहे हैं। I cried myself. तीनों। I was crying the last part. I was like not expecting that. I was not hoping for that. But it was very sad, very saddening. But it's a movie. But emotions were too on peak, so we have to cry for that. पठान ने एक ट्रेंड सेट कर दिया था 1000 crore का, क्या लगता है डंकी के क्या चांसेस है उसमें? बिल्कुल करेगी डंकी भी 1000 crore, डंकी बाकी दो का रिकॉर्ड भी तोड़ेगी, शाहरुख खान अपना रिकॉर्ड खुद तोड़ेंगे। क्या लगता है कल सलार फिल्म रिलीज होने वाली, तो व्हाट यू हैव टू सी, व्हाई डू यू थिंक कि उसका डेट शिफ्ट हुआ? कंपटीशन को उनको भी डर लग गया ना कि ऐसे हम कैसे कर सकते हैं, वो बियॉन्ड कंपटीशन है, उनके कंपटीशन में कोई नहीं है। शाहरुख खान ने एक इंटरव्यू में कहा था, मेरी अगर मूवी आ रही है उसके 3 हफ्ते पहले कोई मूवी चाहिए चलने वाली, उसके 3 हफ्ते बाद कोई मूवी नहीं चलने वाली, यही होने वाला है। एक्चुअली बोलूं सलार का हाइप बढ़ा क्योंकि वो डंकी के साथ क्लैश कर रही है, इसीलिए मैंने सलार की ट्रेलर तक नहीं देखी, आई वॉज सो एनग्रॉस्ड इन वॉचिंग डंकी का सब कुछ, सो आई वॉज बिजी इन दैट, मेरे को सलार देखने का कुछ टाइम ही नहीं मिला, सो आप समझ सकते हैं हाइप कितना ज्यादा है हमारे। व्हाट्स योर अपील फॉर द ऑडियंसेस? गो वॉच इट इन द थिएटर्स, डोंट डू एनीथिंग डंकी वे, पायरेसी ना करना, डंकी वे नहीं करना है, थिएटर में ही देखना, थिएटर में जाके देखना है, इमोशन अपने फैमिली के साथ जाइए, देखिए, मजे करिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। सवेरे 6 बजे डंकी देखिए। Throughout the film, song, yeah, emotional. You should go and watch. About the immigration के बारे में बात, कैसा बताएं? Poor people. हाँ. फंस जाते हैं. उसके बारे में बताएं. अच्छी. Acting. Is there any particular moment or particular? नहीं बहुत क्या लगता है डंकी उसके सामने यू नो? नहीं नहीं डंकी डंकी मैडम, आपके इमोशंस आपके जी चेहरे पे दिख रहे हैं, कैसे लगे? इमोशन तो कुट कुट के भरा है, मैं 1 घंटा रोई हूँ, जो मूवी था जब विकी कौशल ने खुद को जला लिया है तभी से लेके मैं एंड तक रोई हूँ। क्या फिल्म में ऐसा था जो मतलब देख के आपको इतनी देशभक्ति थी? ऑलमोस्ट जो शाहरुख खान है वो है, जो देश के लिए मर रहा है शाहरुख खान, जो करना चाहते हैं ना, जो एक्टर के जरिए जो करना चाहते हैं वो कर रहे हैं, और वो इंडिया के लिए ही जीता है, इंडिया के लिए ही बढ़ता है, देशभक्ति उसमें कुट कुट के भरी है, और वो ऊपर से नीचे तो पूरा इंडिया का ही है वो, कोई पाकिस्तानी नहीं है, प्लीज़ उसे बोलना बंद करो ये कि पाकिस्तान को पैसा दे रहा, पाकिस्तान को पैसा दे रहा, प्लीज़ बंद करो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, और रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत भी नहीं, वो एक्टिंग करके ही दिखा रहा है कि वो इंडियन ही है या नहीं है, आपने देखा मूवी, अरे वो कर ही रहा है, इंडिया के लिए ही कर रहा है वो, और किसी देश के लिए जी ही नहीं रहा, उसकी जितनी भी मूवी है ना उसमें देखो उसने कभी पाकिस्तान का जिक्र किया है? एक बार तो ये इसने भी बोल दिया पाकिस्तान की लड़की उठा के लाया, इसलिए सनी देओल ने भी पाकिस्तान की शायद थोड़ा तो अच्छा बोला ही होगा, हमेशा थोड़ी ना बुराई करता है, लेकिन शाहरुख खान ने कभी किया है तो क्या हमेशा क्यों शाहरुख खान के पीछे पड़े रहते हो, मुझे समझ में नहीं आता, ये बंद होना चाहिए, और मैं तो बोलती हूँ उस वो लोग भी जाके डंकी देखे कि जिनको समझ में नहीं आता कि देशभक्ति क्या है, अरे देखो, अरे ऑसम, सब और वो जो पानी वाला सीन था ना वो तो डेफिनेटली, और ये सरकार रेड चिली है ना वो तो कमाल ही है।
डेफिनेटली अरे इमोशनल डायरेक्शन फिल्म में कैसा है? अरे ओसम, वो तो है ही ओसम ही, वो बंदा है ही, लेकिन ओसम सच में मौसम बदलने वाला, और शाहरुख खान ने जो एक्टिंग किया वो तो मतलब वो तो बस क्रिसमस जबरदस्त जाएगा। या 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 डेफिनेटली। और इसके साथ साथ कल सलार फिल्म भी रिलीज हो रही है, तो क्या लगता है सलार के सामने डंकी का क्या चांस रह सकता है? सलार में होगा एक्शन, लेकिन शाहरुख खान ने जो इमोशन दिखाया ना उसके सामने तो एक्शन कुछ भी नहीं है यार। के सामने एक्शन पहले पहले अभी बहुत हो गया एक्शन एक्शन, अभी एंडिंग है, थोड़ा इमोशन जगाओ और अपने परिवार से मिलो, जो शाहरुख खान ने दिखाया ना अपने देश, बस अभी उससे मिलो और एक क्रिसमस मनाओगे तो अपना देश के साथ ही मनाओ। या देश को बस जय माता, जय भारत माता की। पास में से कितने सर रहेंगे आप? सर नहीं, पास तो है ही नहीं, वो वैल्यू ही नहीं है उसकी। पूरा आप 100 करोड़ दे दो उसको, कोई पास से नहीं हो सकता है। थैंक यू वेरी मच।